मॉम्स किचन। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं फूल गोभी की पकौड़ियाँ। इसके लिए जो सामग्री हमको चाहिए, फूल गोभी ऐसे छोटे टुकड़े में आप काट लें। अगर बड़े फ्लोरेट्स हैं तो उसको आप ऐसे दो टुकड़ा कर लें, और अगर छोटा है तो आप इतना ही रखें, इस तरह से काट लें। आपको राइस फ्लावर जो होता है, मतलब चावल आटा जो होता है वो चाहिए होगा, नमक, हल्दी, हरी मिर्च और अदरक का एक छोटा टुकड़ा, बेसन और तलने के लिए व्हाइट मिर्च। बनाना शुरू करते हैं फूल गोभी की पकौड़ियाँ। सबसे पहले फूल गोभी को हम लोगों को गर्म पानी में थोड़े देर के लिए उसको बॉईल कर लेने हैं। देखिए, मैंने पानी गर्म करने के लिए बैठा दिया है। पानी जब आपका खौल जाए तो उसमें आप ये फूल गोभी डाल दें और 5 मिनट के लिए इसको उबलने के लिए छोड़ें। जब तक आपकी गोभी उबल रही है तब उतने वक्त में आप अपना कढ़ाई बैठा लें और इस पर तेल डाल दें गर्म होने के लिए। और साथ ही साथ आप मिक्सी ले लें और मिक्सी के जार में आप ये जो हमने हरी मिर्च रखी हुई थी वो और अदरक के टुकड़े को थोड़ा सा हल्का दरदरा पीस लें। अब हम लोगों को ये बेसन रखे हुए थे वो बेसन ले लें, साथ में मिला लें थोड़ा सा चावल का आटा, नमक और हल्दी। नमक थोड़ा देख के डालिएगा। आप इस बैटर को अच्छे से मिला लें और इसका हम लोगों को एक थिक पेस्ट बनानी है, जिसको हम लोग गोभी में कोट करके फ्राई करेंगे। देखिए, मैंने हरी मिर्च और अदरक को पीस लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसी में से थोड़ा सा निकाल के आप इसमें मिला लें, जैसा आपको तीखापन चाहिए। और इसको अच्छे से मिला दें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालें और इसको एक थिक बैटर घोल लें। हम लोग को अच्छे से घोलना है इसको, ताकि इसमें लम्स ना रहे। इस बीच आपका गोभी जो हमने बॉईल करने के लिए रखा था वो भी करीब करीब हो चुका है और तेल भी मेरी गर्म हो चुकी है। अब हम लोग ये गोभी को झरा लेंगे, इसका जो पानी है और निकाल लेंगे। देखिए, मैंने गोभी को पानी निकाल लिया है। अब इसमें ये भी मेरी बैटर तैयार है। अब हम लोग इस बैटर में डिप करेंगे और फ्राई करेंगे। गोभियों को आप ऐसे ले लें और इसको हल्के हाथों से घुमाते हुए इसको अच्छे से कोट कर लें और इसको फ्राई करें। इस तरह से मैं बाकी सारी गोभियां डाल लूंगी और इसको फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं, ये एक तरफ बहुत अच्छे से लाल हो गया है। इसी तरह से हम लोग दूसरी तरफ भी पलट के इसी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे। और इस समय आपका जो गैस का जो स्टीम है वो मीडियम लो पे होने चाहिए, ताकि पकौड़ी अंदर से अच्छे से पक जाए। और इसको हम लोग निकाल लेंगे एक प्लेट पे। मैंने ये सारे गोभी फ्राई करके निकाल लिए हैं। अब मैं आपको एक तो तोड़ के बताती हूँ। देखिए, आप गोभी बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी है और अंदर से गोभी बिल्कुल आपकी नरम है, ये देखिए। आप भी इसी तरह से बनाए भी पूरा निकाल के इसको कोई भी चटनी या सॉस के साथ सर्व करें।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। जो नए विजिटर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि आगे की जो वीडियोज हैं वो आपको मिलते रहें। थैंक यू।